तो इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे सावन जाने वाला है पिल टावर के ट्रायल में, मतलब पिल टावर के अंदर जो कंपटीशन होने वाला था उसका ये ट्रायल है। अगर सावन को पिल टावर के कंपटीशन में जाना है तो उसे इस ट्रायल को पास करना होगा, उसके बाद ही वो अंदर जा पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही सावन अगर यहाँ पर हार गया तो ये फैमिली हमेशा हमेशा के लिए 5 ग्रेट फैमिली से निकल जाएगी। तो फिर इंटरेस्टिंग से एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे की हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन स्नो वाइन जिनसन को परचेस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर यंग लड़का आकर सावन को ऐसा करने से रोक देता है। इसके साथ सावन को ऑफर देता है कि इस चीज को मुझे दे दो, परंतु सावन जब नहीं मिलता तो उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, लेकिन सावन ने उसे काफी आसानी से उसे पीछे हटा दिया, जिस वजह से उन दोनों एल्डर को तो काफी गुस्सा आ चुका था और उन दोनों ने सावन पे अटैक करने की कोशिश की थी, बट उनका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि वहाँ पर आ चुके थे टियान जुंजे और लिटोफेरी डॉक्टर, जो की आते ही अपने एनर्जी प्रेशर से उन दोनों को पीछे धकेल देती है। अब इस कारण से उन्हें ना चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ा। और एपिसोड के आखिर में हमने देखा सावन ने कॉपर प्लेट को रिफाइन करके 5 एनर्जी क्रिस्टल में बना दिए। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सावन अपने मन में क्या था, टियान जुंजे ने मुझे बताया था इस स्प्रिट नरिशमेंट पाउडर की मदद से अगर किसी के सोल को पोषण किया जाए तो वो काफी पावरफुल बन जाता है, इसके साथ ही अगर वो टियर 8 की प्यूल को रिफाइन किया जाए तो उसके सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। इसलिए समय आ चुका है कि मैं इन प्यूल को अपने अंदर कंज्यूम कर लूं ताकि मेरे सोल को पोषण मिले। इन सभी थॉट्स के साथ सावन आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वो स्प्रिट नरिशमेंट पाउडर को कंज्यूम करने की कोशिश करता है और कुछ समय कोशिश करने के बाद स्प्रिट नरिशमेंट पाउडर सावन के आजूबाजू घूमने लगती है और अचानक से सावन के सर्व के अंदर कंज्यूम हो जाती है, मतलब चली जाती है। अब जैसे ही स्प्रिट नरिशमेंट पाउडर सावन की हेड से मर्ज होती है, उसके अगले ही पल सावन के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिस कारण से सावन अपने आप को संभाल नहीं पाता। इस वजह से हम देखते हैं वो पीछे जाने लग गया था, लेकिन किसी तरह अपने आप को बैलेंस करके कहता है मुझे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर उसकी पेन गायब हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो रिलीफ फील करता है, उसी समय उसने महसूस किया कि उसके आसपास एक अजीब सा ऑरा इंक्रीज हो रहा है। और कुछ ही समय के अंदर सावन को समझ में आ चुका था कि इस एनर्जी का महत्व भी क्या है, लेकिन कुछ ही समय बाद जहाँ से ये एनर्जी निकल रही थी वो रिलीज होना बंद हो जाती है, जिस वजह से सावन का इतने बार ट्राई करता है ताकि उन एनर्जी को फिर से लेके आ सके, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि अब वो इस एनर्जी को बुला नहीं सकता। तभी सावन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी की आवाज आती है, वो आवाज सावन को गाइड करने लग गई थी, लेकिन सावन महसूस करता है कि ये वॉइस पूरी तरह से क्लियर होकर नहीं आ रही, बट सावन ने किसी तरह से उसे याद कर लिया था। तभी सावन को एहसास होता है कि जो टेक्निक उसने बताया था वो इनकम्प्लीट है, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल ऑरा को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर सकता। इसके साथ ही सावन कहता है ये टेक्निक तो इनकम्प्लीट है, तो क्या मुझे इसे ऑपरेट करना चाहिए, यानी कि इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए, बट इसका भी कोई फायदा नहीं है, और अगर मैंने ऐसे समय गवाता रहा तो ये एनर्जी कुछ ही समय के अंदर डिसअपीयर हो जाएगी। इस थॉट के साथ ही सावन की नजर स्पिरिट नरिशमेंट के चारों एनर्जी बॉल पे जाती है, जो कि अभी भी बचे हुए थे। इसीलिए सावन ये कहते हुए उन्हें स्टोर कर लेता है कि फ्यूचर में मेरे काफी काम आएगा अगर मुझे टियर 8 की पिल को रिफाइन करना होगा तो। फिर वो अपने मन में कहता है अगर मैंने इस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया तो इसकी वजह से मेरी सोल काफी पावरफुल बन जाएगी, फिर मुझे वो चांस मिलेगा जहाँ पर मैं मिस्टीरियस कंडीशन के अंदर एक बार फिर से एंटर कर सकूं। और जहाँ मैंने मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर किया उसके बाद तो मैं टियर 8 का एल्केमिस्ट इजीली बन जाऊंगा, उसके बाद फिर उस गू क्लैन को भी मुझे सीरियसली देखना होगा, क्योंकि इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में कुछ ही टियर 8 के एल्केमिस्ट बच चुके हैं और इसलिए टियर 8 के एल्केमिस्ट को गुरु कहा जाता है। इन सभी थॉट्स के अंदर सावन ये भूल चुका था कि अभी उसके पास ऐसी कंडीशन नहीं, यानी कि टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से ये इस एनर्जी को कंज्यूम कर सके, और कुछ ही समय के अंदर उसे ये बात याद भी आ जाती है, जिस वजह से सावन का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था कि अगले पल सावन रो पड़ेगा। और फिर कुछ ही समय के बाद वो गहरी सांसें लेने के साथ ही अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे सबसे लो वाली टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा, मतलब बिना किसी टेक्निक को सावन इस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और इसमें सावन को खतरा भी था, परंतु अब उसके पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से सावन अपने मुंह को खोलकर उसकी एनर्जी को अंदर लेने लगता है, क्योंकि सावन के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जिसकी मदद से वो इस एनर्जी को कंज्यूम कर सके, यानी कि रिफाइन कर सके और उसके बाद कंज्यूम कर सके। और शायद सावन का लक भी अच्छा था, क्योंकि हम देखते हैं बिना किसी ज्यादा तकलीफ के सावन के अंदर वो एनर्जी कंज्यूम होने लग गई थी। और फिर हम 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ पर सावन एक गहरे सांस छोड़ते हुए कहता है मुझे ऐसा करते हुए लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और इस 1 घंटे में मैं 20 बार फेल हो चुका हूँ, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगभग 1 उंगली के बराबर वो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए मिली, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई भी मेथड या फिर टेक्निक नहीं थी जिसकी वजह से मैं उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकता था, बट फिर भी 1 घंटे की प्रैक्टिस की वजह से मुझे कुछ पावर तो मिल चुकी है, यानी कि एनर्जी तो कंज्यूम कर ही लिया। और सावन ये पर नहीं रुकता, बल्कि वो एक बार फिर से वहीं पर बैठने के साथ ही उन एनर्जी को फिर से इंक्रीज करने लगा, यानी कि कंज्यूम करने लगा। और रात से सुबह कब होती है सावन को ये महसूस भी नहीं हुआ। इसके साथ ही वो अगले दिन की सुबह अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है फाइनली इतने घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे काफी चीज पता चल चुकी है, इसलिए अब मुझे बाहर जाना चाहिए। और इसके साथ ही आज तो वो कॉम्पिटिशन शुरू भी होने वाला है, यानी कि ट्रायल। ये सोचते हुए सावन आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वो अपने दरवाजे को ओपन करता है, और जैसे सावन ने अपने दरवाजे को ओपन किया तो उसे समझ में आ चुका था कि सभी लोग यहीं पर है, यानी कि सेनन के ग्रैंडफादर सेनन, टियान जुंजे और लिटोफेरी डॉक्टर।
डॉक्टर। और इसके साथ ही उन्होंने महसूस किया कि सावन की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सीनन के ग्रैंडफादर को। जब वो देखते हैं कि सावन आ रहा तो वो अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। उसके बाद वो गौर से सावन को देखने लगे थे, जहां पर उन्हें पता चलता है कि सावन की पावर काफी इंक्रीज हो चुकी है, जिस वजह से उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इधर सावन को पता था आखिर सीनन के ग्रैंडफादर उसे अच्छी तरह से स्कैनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई फैमिली की फ्यूचर सावन पे डिपेंड है। अगर वो जीत जाता है इस कॉम्पिटिशन के अंदर, यानी कि पिल टावर की कॉम्पिटिशन के ट्रायल में, तो ई फैमिली बची रहेगी, अन्यथा ई फैमिली पूरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से सावन भी थोड़ा सा प्रेशर में था। अब कुछ समय बातें करने के बाद वो सभी सूट हो जाते हैं पिल टावर कंपटीशन के ट्रायल में। अगर सावन ने इस ट्रायल को पास कर लिया तो ये फैमिली 5 ग्रेट फैमिली में रहेगी, नहीं तो सारी फैमिली खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही वो सभी निकल पड़ते हैं ये फैमिली को बचाने के लिए, यानी कि उस ट्रायल में। और जब तक ये लोग पिल टावर गैदरिंग कॉम्पिटिशन के ट्रायल में जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले एपिसोड में समझ में आए अच्छी तरह से। 5 ग्रेट क्लैन के टेस्ट की लोकेशन होने वाली थी होली पिल सिटी की इनर में, और इस जगह को बनाया गया था पिल टावर के द्वारा। ये एग्जैक्टली एक होल की तरह दिखती थी, और इस ट्रायल को देखने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे लोग आते थे, पर इस ट्रायल में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके साथ ही साथ जब तक ये 5 ग्रेट क्लैन मौजूद है, तब तक कोई भी ट्रायल नहीं दे सकता था। हाँ, अगर 5 ग्रेट क्लैन के अंदर से कोई भी एक ड्रिक लाइन होती है तो फिर इसके अंदर एक फैमिली आ सकती है, जिसके अंदर काफी सारे ट्रायल हुआ करते थे। और जो भी फैमिली इस ट्रायल को पास करती वो 5 ग्रेट क्लैन के अंदर आ जाती, और इसीलिए पिल टावर के 5 ग्रेट क्लैन में आना उनका सपना बन गया था। बट जैसे इन लोगों ने देखा कि ई फैमिली की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो उन्होंने धावा बोल दिया। और यहाँ पर मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं कि ई फैमिली पे इसलिए वो लोग हमला कर रहे हैं ताकि ई फैमिली पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाए। जैसे ऐसा होगा वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जहां तक रही पिल टावर की, ई फैमिली को उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया, या फिर पिल टावर को सपोर्ट करना ही नहीं था, तो उन्होंने ई फैमिली को अब तक 5 ग्रेट क्लैन क्यों बनाकर रखा, तो इसका एक सैंपल से रीजन है। पिल टावर के अंदर ही ई फैमिली का पुराना फ्रेंड है, जो कि बार बार ई फैमिली की ओर से पिल टावर को सपोर्ट करने के लिए कहती है, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। बट इस बार सभी एल्डर्स ने ये फैसला किया है कि सिर्फ ये आखिरी बार है। अगर ई फैमिली अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती है, तो उनका क्लैन हमेशा हमेशा के लिए पिल टावर से बंद हो जाएगा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डिक्लाइन। इसीलिए ई फैमिली के सभी मेंबर्स काफी परेशान हो चुके हैं। और अब तक इस होल के अंदर सावन भी एंट्री कर चुका था ई फैमिली के साथ। सावन जैसे ई फैमिली के साथ उस होल के अंदर एंटर करता है, तो इसके साथ ही साथ कई सारे पावरफुल बैकग्राउंड वाले लोग उसके अंदर विजिट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को भी देखने अलाउड था। इसके साथ वो भी ट्रायल नहीं दे सकते। जैसे उन सभी की नजर ई फैमिली पे जाती है, तो वो सभी एक स्माइल से ई फैमिली को देखने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि एक साधारण सा व्यक्ति अपने भोजन को देखकर काफी खुश हो रहा था, और वो उसका भोजन भी काफी कमजोर है। जब सावन को एहसास हुआ कि सभी की नजरें उसी पे है, तो वो कुछ भी नहीं कहता। इसके साथ ही वो शांत होकर आगे बढ़ने लग गया था, क्योंकि कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं था। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रीव्यू मैं अपलोड करूं, तो इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। जैसे इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, तो उसके अगले पल इसके प्रीव्यू अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।